हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फॉरेनर्स डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको ऐसे 10 रीजंस के बारे में बताऊंगा कि आप लग्जमबर्ग एज योर फ्यूचर कंट्री जो है क्यों चूज़ करें। दोस्तों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों का, अगर आप लग्जमबर्ग आना चाहते हैं तो आप लोगों का इन फैक्ट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लग्जमबर्ग एक यूनिक कंट्री है जो कि यूरोप के सेंटर के अंदर वाक़ है, तो और बहुत दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से लेकर आखिर तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो विदाउट फर्दर ड्यू चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो 10 रीजंस हैं व्हाई आई शुड मूव टू लक्समबर्ग, में सबसे पहला रीज़न जो है वो क्या है, थ्राइविंग जॉब मार्केट। दोस्तों, लक्समबर्ग ऐसा कंट्री है, छोटा सा है लेकिन यहाँ पे इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ख़ास तौर पे आप देख लें, अगर आईटी सेक्टर में देख लें या किसी भी ऑडिट और फाइनेंस के अंदर ना, और अनस्किल्ड वर्कर की भी जॉब्स यहाँ पर बहुत हैं। यहाँ पर आप काफ़ी जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सैलरीज़ भी बड़ी हाई हैं। तो अगर देखें, आपकी जॉब अच्छी होती है तो ऑब्वियसली आपको जो है वो सैलरीज़ भी अच्छी मिलेंगी, और जब सैलरी अच्छी मिलेंगी तो आपका जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो एक्सपेंसेस कवर होंगे और आप जो है हंसी खुशी रहेंगे। तो जॉब जो है, अच्छी जॉब जो है यहाँ पे मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ है, ये तो है नंबर वन रीज़न। दोस्तों, जो दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि बनिस्बत और दूसरी यूरोपियन कंट्री के, यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन, आप इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी इंग्लिश बोली जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है दूसरे और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह। मिसाल के तौर पे जो मेन लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, फ्रेंच है, जर्मन है और लक्समबर्गिश है। फ्रेंच जो है वो वाइडली स्पोकन है और इंग्लिश जो है वो भी काफ़ी बोली जाती है। ख़ास तौर पे जो है ऑफिसेज़ वगैरह हो गए, ऑडिट, फाइनेंस, जो बिग फोर्स हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो वो जो है काफ़ी आपको जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पे जो है वो बुक कीपिंग वगैरह जो है यहाँ पे वो ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश के अंदर ही होती है। तो ये जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बेल्जियम या फ्रांस में जाते हैं तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बनिस्बत लग्जमबर्ग जो है वो बहुत ईजी कंट्री है, यहाँ पर जो है वो इंग्लिश भी काफ़ी बोली जाती है। दोस्तों, जो तीसरा बड़ा जो रीज़न है बहुत, वो ये है कि इसकी लोकेशन, लक्समबर्ग की लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो आप ये समझ लें कि यूरोप के सेंटर के अंदर जो है लोकेटेड है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी आपको बात बताऊं तो आप जो है, मतलब मैं जो है सिर्फ लक्समबर्ग से फ्रेंच बॉर्डर से 500 मीटर्स अवे रहता हूँ, तो आप ईज़िली जो है फ्रांस, बेल्जियम और जो है लक्समबर्ग के दूसरे यानी यूरोप के दूसरे कंट्री में इजीली एक्सेस है। आप जो है समझ लें कि बाय कार जो है वो बेल्जियम, डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पे, आपकी जो है आप रेजिडेंस कहाँ पे, उस हिसाब से जो है आप इजीली जो है बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी जो है वो 30 मिनट्स के अंदर जो है एक्सेस कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ मीडियम टाइप के सिटीज़ के अंदर ना, फॉर एग्जांपल फ्रांस का मेट्स जो है एक मीडियम टाइप का सिटी है, जर्मनी का ट्रेयर जो है वो एक बहुत वाइब्रेंट सिटी है, और वहाँ पे जो है ना आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और शॉपिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे ना, ख़ास तौर पे आप जर्मनी से बाय कर सकते हैं, फ्रांस से बाय कर सकते हैं और डिफरेंट कंट्री से जो है आप जाके काफ़ी चीज़ें बाय कर सकते हैं यहाँ पर, और रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर ना। तो ये तो था हमारा तीसरा ऑप्शन। दोस्तों, जो चौथा जो है रीज़न वो ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लक्समबर्ग दुनिया का वाहिद कंट्री है जहाँ पे जो है आप फ्री जो है ट्रैवल कर सकते हैं इनसाइड द कंट्री। आप चाहे ट्रेन में बैठें, चाहे आप ट्राम में बैठें, आप जो है वो फ्री के अंदर जो है लक्समबर्ग में जो है हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, यानी टिल द बॉर्डर ऑफ जर्मनी,
ले लें, फ्रांस ले लें और बेल्जियम की बॉर्डर तक आप जो है वो फ्री के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा बस ये है कि आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते ट्रेन के अंदर, उसमें आपको जो है ना वो सेकंड क्लास के अंदर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो सारा दिन घूमें, पूरे लग्जमबर्ग को डिस्कवर करें अगर आप चाहें तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, दुनिया में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी ये ना एडवांटेज। दोस्तों पांचवा जो बड़ा जो आपका एडवांटेज है वो कम्प्रीहेंसिव सैलरीज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। फॉर एग्जांपल अनस्किल्ड वर्कर जो है यहाँ पे 2,570 यूरोस जो है उसकी पर मंथ की अर्निंग है, और स्किल्ड वर्कर एवरेज सैलरी बता रहा हूँ वो 3,085। अब डिपेंड करता है स्किल्ड वर्कर का कि वो जो है वो अगर ऑडिट और फाइनेंस में काम करेगा या आईटी के अंदर जो है वो जॉब करता है तो उसकी जो है वो सैलरी उसी हिसाब से होती है, यानी 70,000 या 80,000 पर एनम जो है वो सैलरी होती है। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के जो है वो काफ़ी अच्छा है। बस सिर्फ एक जो बैरियर है यहाँ पे वो ये है कि समझ लें कि आप जो है वो जो रेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। बाकी तो आप ये देख रहे हैं मैं आपको गैलरी के अंदर है, यहाँ पे आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे, आप देखें ऊपर ये सब जगह के ऊपर आप जो है इजीली जो है ना वो ख़रीद सकते हैं चीज़ें जो है, और हर प्राइस के अंदर हर सुपरमार्केट के अंदर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बाय करना चाहते हैं तो आपको मिल सकती हैं। चीप सुपरमार्केट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल अल्दी लीडल वगैरह जो है वो चीप सुपरमार्केट भी हैं। उसके अलावा जो है वो आप थोड़ी सी महंगी सुपरमार्केट जो है वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लग्जमबर्ग के अंदर ना। दोस्तों जो नंबर 6 पे आता है वो है इंक्लूसिव एंड डाइवर्स कम्युनिटी, यानी यहाँ पे लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको तकरीबन हर दुनिया के हर कंट्री का लोग जो है ना यहाँ पे आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से लेके पाकिस्तान से लेके और अफ्रीका के तमाम कंट्रीज़ का, तो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है। और अब जो है कम्युनिटीज़ जो है वो काफ़ी ग्रो भी कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कम्युनिटी जो है काफ़ी ग्रो कर गई है, तकरीबन 4,500 to 5,000 जो है पीपल आर लिविंग हेयर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है और दूसरी कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, ख़ास तौर पे समर के अंदर जो है वो काफ़ी जो है इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है इस कंट्री के अंदर ना। दोस्तों जो 7 बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है मेरी नज़र के अंदर वो जो है ना फ्रेंडली फैमिली पॉलिसीज़ है। लग्जमबर्ग एक वाहिद कंट्री है दुनिया का जहाँ पे जो है बच्चों के अलाउंसेस जो है वो आपको काफ़ी दिए जाते हैं यहाँ पे, यानी अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनके अलाउंसेस जो है वो काफ़ी जो है यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो है स्कूल्स जो है वो यहाँ के बहुत अच्छे हैं स्कूल्स, और इवन जो है यहाँ पे स्कूल्स के अंदर आप जो है इंग्लिश स्कूल्स भी जो है ना अब उन्होंने जो गवर्नमेंट के लोकल स्कूल्स हैं वो भी उन्होंने फ्री कर दिए हैं। और जो है एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप लोकल स्कूल में डालते हैं तो आपका बच्चा 4 लैंग्वेजेस सीखता है जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैं समझता हूँ, और अगर आप इंग्लिश स्कूल में डालता है तो एटलीस्ट जो है वो भी 2 लैंग्वेजेस जो है वो सीखता है, फ्रेंच और दूसरी लैंग्वेज ना। तो ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं ये लोग ना, यहाँ पे इन्होंने क्रैश बनाए हुए हैं, और यहाँ पे स्कूल ऐसे पेरेंट्स जो जिनके जो दोनों जो है मदर फादर जॉब करते हैं उनके लिए जो है वो मेज़ों गिले जैसे फ्रेंच में कहते हैं कि आफ्टर स्कूल जो है वो बच्चों को जो है वो आपके लुक आफ्टर करते हैं और बच्चों को जो है वो देखते हैं, और जब आप मतलब काम से फारिग हो जाते हैं तो अपने बच्चों को पिक कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ दुनिया के और दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में यहाँ पे ये बहुत बड़ी एडवांटेज है।
तो मैं समझता हूँ आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि दुनिया में इस टाइप की अपॉर्चुनिटी कहीं मिले। दोस्तों, इसमें अब जो नंबर 8 रीज़न जो हमारा आता है वो रिनोन्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे लग्जमबर्ग के अंदर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग जो है वो मैं समझता हूँ यंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आप उसकी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आप देखेंगे उसको तो वो जो है उसकी रैंकिंग काफ़ी हाई है बनिस्बत, और अगर उसी एज की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे और लिविंग एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वहाँ पर काफ़ी हाई है उसके अंदर ना, तो और फ्री है एजुकेशन ना यहाँ पे, यूनिवर्सिटी में भी फ्री है, बस एक नॉमिनल सी फीस जो है वो लेते हैं, वो बल्कि रजिस्ट्रेशन फीस है और फ्री एजुकेशन है, बल्कि अगर आप यहाँ के लीगल रेजिडेंस हैं तो वो आपको जो है हर साल जो है वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर बहुत अच्छे हों, आप सिर्फ जो है अप्लाई करें और आपको तकरीबन जो है नियरली डिपेंड करता है पेरेंट्स की अर्निंग के ऊपर, वो नियरली 4,500 जो है पर सेमेस्टर, यानी 9,000 से 10,000 यूरो जो है आपके बच्चे को, अगर आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे पढ़ता है तो आपको पर ईयर वो देते हैं, चाहे वो बच्चा आपके साथ रहता हो कोई वो नहीं है, लेकिन बच्चे को वो करते हैं, यानी कि फैमिली अलाउंसेस जो है जब आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है तो फैमिली अलाउंसेस जो है ना वो बंद हो जाते हैं, और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप यानी बुक्स दी जाती है जो कि तकरीबन 10,000 यूरो बनती है। अगर आपका बच्चा जहाँ बाहर जाके पढ़ना चाहे तो फिर बैंक भी लोन जो है वो तकरीबन बहुत नॉमिनल जो है इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है ना वो ऑफ़र करता है, और इतने ही समझ लें तकरीबन 4,000 यूरो to 5,000 यूरो जो है ना बैंक भी आपको देता है। तो यानी आप गवर्नमेंट की जो है स्कॉलरशिप प्लस बैंक लोन ये तकरीबन जो है 10,000 to 11,000 हो जाता है पर सेमेस्टर, और पर ईयर समझ लें आप ये 20,000 यूरो के करीब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया में शायद ही मुझे नहीं लगता, मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलने वाली है, तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, इस उसमें जो है वो 9th जो हमारे पास रीज़न है वो जो है वो क्या है, हब फॉर यूनियन यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन। लग्जमबर्ग जो है वो एक हब है यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन का, और यहाँ पे नाटो का भी मेंबर है, तो एज अ हब ऑफ यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन अगर आप नेशनल हैं या रेजिडेंस हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ये कि अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो आप उसका चांस बन सकता है कि वो यूरोपियन यूनियन या एक यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में भी उसको अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन जॉब मिल सकती है। ऑफ कोर्स कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो है वो सैलरीज इतनी हाई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा है। ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो है ना ये फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, ख़ास तौर पर जो है ना बच्चों को ब्रॉट अप करने के लिए बहुत अच्छा है, कि यहाँ पर आके आपके बच्चे का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को भी हमें इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि जॉब्स जो हैं, क्योंकि हमारे मुल्कों में तो आपको पता है कि जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटी बच्चे जो है इंजीनियरिंग कर लेते हैं या डॉक्टरी कर लेते हैं, उनको हाउस जॉब तक नहीं मिलता ना उनको जॉब मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका बच्चा जैसे ही ग्रेजुएशन या मास्टर्स करे तो उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये दोस्तों, इस सिलसिले में जो आखिरी रीज़न है वो ये है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। लग्जमबर्ग एक ऐसा कंट्री, एक तो बहुत मतलब छोटा है, आपकी एक्सेस हर जगह है यहाँ पे, नंबर टू यहाँ पे जो है क्राइम रेट जो है वो बहुत लो है लग्जमबर्ग के अंदर, और नंबर तीन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे जो है बहुत हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पे ना, और आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हाइकिंग कर सकते हैं, आप जो है वो आइस स्केटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे हर किस्म की जो है ना एक्टिविटीज़ जो है वो आपको मिलेंगी। तो और सबसे बड़ी चीज़ देखें ना, जब तक आपकी जान और माल महफूज है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर। अगर आप ऐसे कंट्री में रहते हो जहाँ पर आपकी जान को ख़तरा हो तो आप ज़ाहरी बात है आप ज़िंदगी सही से नहीं गुजार सकते, लेकिन लग्जमबर्ग एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्राइम रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा लो हैं और यहाँ पे लोग सुकून के साथ रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं है, क्राइम्स हैं बिल्कुल हैं यहाँ पे भी, लेकिन रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं।
तो ये भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये भी एक बहुत अच्छी, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि है कि आप जो है सुकून के साथ यहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप ना। और कंट्री साइड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का, आप जो है वो कंट्री साइड देखें तो आप देखते ही रह जाएंगे यहाँ पे। और फिर ये है कि नेबरिंग फ्रांस और जर्मनी वगैरह जो है वो सारे कंट्रीज़ जो है वो हैं और ईज़िली एक्सेस है। तो ये तो थे दोस्तों सारे रीजंस जो मैंने बताया कि व्हाई आई शुड मूव टू लग्जमबर्ग और व्हाई आई शुड कंसिडर लग्जमबर्ग एज ए फ्यूचर कंट्री। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है, और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है रिसेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।